हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम कोवलम वर्कला घूमते हुए लेट नाइट अलप्पी पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए अलप्पी में हाउसबोट और बैकवाटर्स एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवलर्स यहां पर दुनिया भर से आते हैं। आज हम दिन भर घूमेंगे और फूड और साइटसीइंग एक्सप्लोर करेंगे। हमें किसी ने माय ट्रिप हाउसबोट का रेफरेंस दिया। यहां आकर मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लगाई। इनके पास तीन कैटेगरी के अंदर हाउस बोट है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डिलक्स कैटेगरी हाउस बोट, ये है लिविंग रूम, दो बेडरूम और बाथरूम। अब हम जा रहे हैं प्रीमियम कैटेगरी हाउस बोट, जो साथी में खड़ी है वो देखने। इसमें है चार रूम्स, लॉबी जिसमें एसी लगा हुआ है और ऑब्वियसली बेटर फर्नीचर। ये अभी हम पहुंच गए थर्ड कैटेगरी हाउस बोट देखने। मुझे बताया गया ये लग्जरी स्लैश अल्ट्रा लग्जरी हाउस बोट है। इसमें है तीन रूम्स, लिविंग रूम विद एसी, बोट स्टार्ट्स, एसी स्टार्ट्स। बाकी दो कैटेगरी के मुकाबले में ये अल्ट्रा लग्जरी के अंदर मुझको सब कुछ ज्यादा बेहतर लग रहा है। ऑब्वियसली यू आर पेइंग मोर फॉर दैट। यहां पर मैंने देखा ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम भी है। ये पैकेजेस और इसकी पूरी डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 12 बजे यहाँ से हाउस बोट निकलती है और अगले दिन 9 बजे वापस आती है। तीन मील्स और टीज कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है। हमारे पास समय कम है, इसके लिए हमने पूरे दिन के लिए हाउस बोट नहीं ली, केवल 3 घंटे के लिए लिया है, जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़ इंक्लूडिंग मील पर आर बेसिस पे। अब हमारा सफर शुरू। Oh wow! Hi. Oh, thank you so much. ये traditional तरीका है welcome करने का. Thank you so much. Oh wow! जबरदस्त. ये तो अंदाज़ बहुत अच्छा लगा. Too good. वैसे भी मैंने breakfast नहीं किया था, तो good starting to the journey. Great. इस जर्नी की शुरुआत होते ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्राइवेट घर बन गया है हाउस बोट पर। जर्नी इज टू गुड। केरला अगर आप आएंगे ना तो ये मिस नहीं करना चाहिए। और अलप्पी आगे और हाउस बोट एक्सपीरियंस नहीं लिया तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। आप एक्साइटमेंट की इंतहा देखो। 45 मिनट हो गए जर्नी स्टार्ट हुए और मैं 1 मिनट भी नहीं बैठा। सामने सोफा है, बैठने का सिटिंग स्पेस है। रीजन क्या है कि कभी यहां से देख रहे हैं, कभी वहां से देख रहे हैं, इधर भी बोट, इधर भी बोट, और इस तरह का खूबसूरत नजारा बैक वाटर्स का। ये बैक वाटर्स बड़ा अमेजिंग चीज है केरला की, बिकॉज हम बचपन से सुनते आ रहे थे केरला बैक वाटर्स। एक्सपीरियंस मैं तो पहली बार कर रहा हूं। क्या बताएं, अभी 15-20 मिनट आधा घंटा सिर्फ देखो। और किचन में अभी हमारे लिए करीमीन बनाएंगे, हम लंच करेंगे इस जर्नी के साथ साथ। किचन की ओर चलते हैं और देखते हैं करीमीन कैसे तैयार हो रही है। मैं इनके किचन में देख रहा हूँ करीमीन तैयार करने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, इन सबको मिक्स करके ऊपर उस पर लेप लगा दिया फिश के ऊपर। अब इसको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ जो चिकन में डिश तैयार हो रही है, सेम मसाले का मिक्सचर, थोड़ा सा नींबू और पानी डाल के मसाला तैयार किया और चिकन पे मैरिनेट कर दिया। हमारे सामने इस समय जो व्यू है ना, ऐसा व्यू आज से पहले केवल मैंने फोटोग्राफ में देखा था, वीडियोस में देखा था कि केरला ऐसा होता है। लेकिन देखो ना, जो आप चीज फोटो में देखते हो, इमेजिन करते हो, और वो चीज आज आपके सामने है। क्या बोलोगे, मतलब लाइफ टाइम व्यू कह सकते हैं इसको। इसकी क्या स्पीड होती है? 20-25 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सेलरेटर है, अगर आपको रुकना है तो ब्रेक सिस्टम नहीं होता, आपको रिवर्स डाल के फिर एक्सेलरेट करना होता है। अच्छा, ऐसा।
वाओ व्हाट अ एक्सपीरियंस। पीछे कुछ पॉइंट्स आए थे जहां हम रुक सकते थे, हम रुके नहीं। यहां पर हम रुके हैं फिश मार्केट के लिए। जब तक फिश हमारी तैयार हो रही है मार्केट देख के आएंगे। ये रोहू है लेके सबसे बढ़िया वाला मछली है। 1 kg से शुरू होता है, 15 किलो तक आता है। ये दूसरा पॉपलाइट है, लेक पॉपलाइट है। ये 1 kg का आएगा, 1 पीस। प्राइस? प्राइस दोनों का 600 rupees है, 1 kilo 600 rupees 1 kg। हमारी बोट आप देखो बाहर से कैसे दिखती है, और हमारे बोट के कैप्टन है जो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। चले बोट राइड करते करते इस तरह से राइस, करीमीन, चिकन, सांबर और इस तरह का खूबसूरत मील। करीमीन यहां की लोकल फिश है, फ्रेश वाटर फिश। केरला में करीमीन बोलेंगे तो एकदम से अलपी स्ट्राइक होता है, क्योंकि यहां पर यह फिश ज्यादा मिलती है। वैसे मैं पहली बार करीमीन खा रहा हूं, सुना मैंने बहुत था। टूर प्लानिंग करते समय मुझे पता लग गया था कि आप करीमीन को मिस मत करना, पर्ल स्पॉट। वाकई स्वीट टेस्ट है, इतनी सॉफ्ट, पहला एक्सपीरियंस मजेदार। ये फिश एकदम अलग है आमतौर पे मेरे प्रीवियस फिश एक्सपीरियंसेस के मुकाबले में। हल्का हल्का नींबू डालो और इस तरह से बोट राइड करते करते एंजॉय करो। बाय द वे बोट राइड ही मैं पहली बार कर रहा हूँ जिसके अंदर इस तरह से फूड सर्व होता हो, और बैकवाटर्स लाइफ में पहली बार। काफी सारी वेजिटेबल्स के साथ सांबर, शेफ यहाँ पे खाना बना रहा था ना, उम्र में काफी यंग है, 22-23 साल होगा, तो मैं सोच रहा था कि ये इतना यंग लड़का कैसा बनाएगा, लेकिन अच्छा काम किया, सांबर बहुत अच्छा बनाया और फिश को भी अच्छे ढंग से मैरिनेट किया। ही हैज गिवन गुड टेस्ट इन दोनों मील को, साथ साथ चिकन सही है। चिकन लेने से थोड़ा फूड में वैरायटी हो गई, बाकी ड्राई है ऑब्वियसली क्योंकि डीप फ्राई किया है, तो ये एक अच्छा परफेक्ट मील कह सकते हैं अगर आप इस तरह से बोट राइड कर रहे हो तो। जैसे फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक अंदाज लग जाता है कि फिल्म कैसी होगी, ठीक उसी तरह से 3 घंटे जो हमने अलप्पी हाउस बोट में बिताए मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। गलती हो गई, मुझे पूरा दिन स्पेंड करना चाहिए था इंक्लूडिंग नाइट स्टे इन हाउस बोट। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो हमने खूब एंजॉय किया, हमेशा की तरह आपको हर रेलिवेंट डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। अब हम आधे घंटे का सफर करके कॉयर म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। कॉयर म्यूजियम पहुंच गए हैं, टिकट अपनी भी निकाल ली और वीडियो की भी निकाल ली है, अब हम अंदर जा रहे हैं। कॉयर फैक्ट्री की अलप्पी में एस्टेब्लिशमेंट 1859 की है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि गाइडेड टूर है, आपके रेफरेंस के लिए कोकोनट का जो आउटर कवर होता है वहां से फाइबर निकाल कर कॉयर बनाया जाता है, रस्सी। वैसे वाकई बड़ा अच्छा एजुकेटिव प्रोग्राम है, स्कूल के बच्चे पूरी पूरी बस में आए हुए हैं। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे फाइबर से यान बनाया जाता था, अभी भी होता है ऐसा ही है लेकिन मशीन से होता है। ये लेटेस्ट मशीन है, कोयर यार्ड बनाने को यूज करते हैं, एक्सपोर्टिंग कंपनी यूज करते मशीन है। वैसे मैम मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ कितना खूबसूरत है, बोट का मॉडल देखो सा, वेरी गुड। अच्छा ये भी फिश मॉडल और ये सामने फिश मॉडल। मदर तेरेसा और महात्मा गांधी वो फैक्ट्री बेस से बनाया। मैंने इनसे समझा ट्रेडिशनल मेथड और आज के अंदर ये डिफरेंस आ गया कि आप सोकिंग नहीं होती,
नारियल का आउटर कवर आपने इसमें डाला और फाइबर निकल आया और सेपरेट मशीन ने उसका रस्सी बना दिया। मैं मैम से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए नारियल का जो ट्री होता है, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उसके सारे के सारे पार्ट्स किसी ना किसी चीज में इस्तेमाल होते हैं। फैंटास्टिक। ये ड्राइड आउटर कवर है, पुराने जमाने में इस तरह से बोट में लेके जाया करते थे सोक करने के लिए। सामने हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कॉयर यान से बने हैं, और इस समय जिस मैटिंग पे हम खड़े हैं ये भी कॉयर यान से बनी है। इसी कंपाउंड के अंदर सोवनेर शॉप भी है, जो चीज़ आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। ये फाइबर मैट 888 रुपीस का है। ये वाला 501 रुपीस। मैम ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कोकोनट शेल। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि शेल को कितने खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल करके पेन होल्डर बना दिया। 105 रुपीस। पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया केरला में आप इस तरह का बर्ड नेस्ट मिस नहीं कर सकते। इसका क्या प्राइस है? 98 रुपीस। ये नेशनल कोयर ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर है, यहाँ पे 1 ईयर एंड 6 मंथ ट्रेनिंग होते हैं, नो फी फॉर एनी ट्रेनिंग, मंथली स्टाइपेंड मिलते हैं 3000 रुपीस पर मंथ। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। धूप चली गई, मौसम बदल गया, ऐसा लग रहा है आधे घंटे में बरसात हो जाएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं अलप्पी बीच। आप देखो बीच यहीं से मेरे को देखने में बहुत साफ लग रहा है, और ऊपर बादल आ गए हैं, आधे पौने घंटे में बारिश हो सकती है। काफ़ी टूरिस्ट इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलिए पास चल के देखते हैं। आपको मालूम है जितने मर्जी सी बीच देख लो, हर बार 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 मन करता है सी बीच देखने का, बार बार समुद्र को देखने का, क्योंकि सूरज की रोशनी के हिसाब से या बादल किस तरह से है रंग रूप पानी का बदल जाता है। इस समय जो हम सामने देख रहे हैं, देखिए बादल किस तरह से ऊपर है और ये क्या रिफ्लेक्शन दे रहे हैं पानी पे। दिस थिंग इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जोधपुर राजस्थान टूर के बाद मैंने देखा मिर्ची बड़ा केरला में भी बहुत पॉपुलर है, जगह जगह दिखाई देता है। चांस की बात है कि हम यहाँ पे खा रहे हैं बनाना फ्राई। यहाँ पर ना हर बनाना को फ्राई में यूज़ नहीं करते, एक वैरायटी होती है, तो सामने उन्होंने टांग भी रखे हैं बनाना, उसको इस्तेमाल किया गया इस तरह से बनाना फ्राई बनाने में। ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही है मेरे को, मीठा मीठा सॉफ्ट बनाना का जो एहसास होता है ना इस तरह से फ्राई कर देने के बाद, वो एक अलग अलग चीज़ है जो आप खा के एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप आएंगे केरला तो मिस मत करिएगा। ये डिसेंट है, बनाना फ्राई तो काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली क्या है, मैंने वो जोधपुर में मिर्ची बड़ा खा लिया ना, तो माइंड में हमेशा वहाँ चले जाता हूँ, बट दिस थिंग इज ऑल्सो डिसेंट। अपने इस टूर में हमने देखा यहाँ पर अंडा फ्राई, टैपियोका, शेलफिश, बनाना फ्राई, इस तरह के पकोड़े बहुत कॉमन और पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। कुली की शरबत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शरबत है, नींबू तक तो समझ में आया, इसके ऊपर आप चिल्ली डाल रहे हो। ये है अदरक का जूस, सॉल्ट, खसखस। ये क्या? मीठा 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 पिस्ता प्लस मिंट। मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरह की प्रिपरेशन। वाओ, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। ओह वाओ, तो आपकी शॉप यहाँ पर कब से है? हाउ ओल्ड इज योर शॉप हियर? 2 ईयर्स।
वेरी डिफरेंट, मीठा है, हल्का हल्का खट्टा है नींबू का। मुझे लग रहा है वो दो फ्लेवर ना की जगह अगर मैं एक फ्लेवर लेता इनमें से कोई भी तो मुझे ज्यादा स्वाद आता। वन ग्लास पाइनएप्पल, पहला ग्लास पीने से मेरे को ये समझ में आ गया इस तरह का ड्रिंक एंजॉय करने के लिए आपको हरी मिर्च का स्वाद पसंद आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको तीखा पसंद है तो गुड है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉकटेल से बेटर मुझे सिंगल फ्लेवर लगा। एनीवेज अपनी पसंद है, लेकिन गुड, थैंक यू। बिजली कड़क रही है, बरसात होने वाली है। आप जानते हैं केरला के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कंट्री में। आप प्लस टू किया हुआ आपने? प्लस टू, वेरी गुड। ट्वेल्थ पास है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, शाम को यहाँ पर स्टॉल लगाकर फैमिली इनकम को सपोर्ट करते हैं। रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। थाफ डेलिकेसी इस एरिया में पॉपुलर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम करीमीन एक डिफरेंट प्रिपरेशन स्टाइल में खाने के लिए आए हैं। ये भैया हमें दिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। जो करीमीन पोलिचर है, इधर का सबसे फेमस आइटम है, जो केला पत्ता के अंदर रखे करीमीन देता है, जो आपको दिखाएगा कैसे ही। बिल्कुल एक्साइटेड है हम देखने के लिए और खाने के लिए भी। करीमीन पे एक बेसिक मैरिनेशन करी, शैलो फ्राई किया। अब सेपरेटली कढ़ाई पे एक मसाला तैयार कर रहे हैं। तो अभी तक तो जो मैं देख रहा हूँ सारे बेसिक मसाले हैं। मेरे को दो चीज़ें डिफरेंट आइडेंटिफाई हो रही हैं, एक कड़ी पत्ता और दूसरा यहाँ का ब्लैक पेपर, जो टेस्ट को बदलेगा ऐसा मुझको लगता है। अब फिश को इसमें डाला, थोड़ा बहुत फिश पकी उस पर। अब इसको इन्होंने डाल दिया है बनाना लीफ के ऊपर मसाले के साथ। अब ये जाएगा तवे पे। इस तरह से बनाना लीफ में पैक होके करीमीन हमारे टेबल पे आ गई है। मैं देख रहा था तवे पे, वहाँ तो ऑयल कम था, लेकिन ये बनाना लीफ में ना ऑयल कैसे आ गया ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये या ओहो 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 हो, वाह 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 भाई, पूरी प्रिपरेशन के अंदर बनाना लीफ का फ्लेवर, आई थिंक इसको हमको यहाँ डालना चाहिए वापस और थोड़ा थोड़ा करके फिश को प्लेट में डालना चाहिए। वैसे वाकई मसाले का गेटअप बड़ा शानदार आया है और ये ऐसी मसाले में तैयार की गई है कि आप इसको परोठा के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हो। फ्रेश वाटर फिश है, सी वाटर में नहीं पाई जाती और इसके अंदर बोन्स काफ़ी होती हैं, ये हमने आज आफ्टरनून में भी देखा था। क्या गजब टेस्ट है। अभी तक तो मैं मसाला खा रहा हूँ, फिश तो खाई नहीं अभी तक। मानना पड़ेगा बड़ी ऑथेंटिसिटी है इस टेस्ट के अंदर, और क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिश है तो फिश फ्लैश के अंदर स्वीटनेस है। मुझे ना कुकिंग स्टाइल भी पसंद आ गया और साथ के साथ इसका टेस्ट भी पसंद आ गया। अगर आप केरला आते हैं, करीमीन खाते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो इस तरह की प्रिपरेशन से बनी हुई फिश से आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, ये है कि बोन्स हैं, तो अगर आप यूज टू नहीं हैं मेरे जैसे हैं तो आपको धीरे धीरे खाना चाहिए। वाराणसी में हमने देखा था सिल्क की साड़ी कैसे तैयार करते हैं,
ढूंढकर। ऑलमोस्ट कुछ वैसी ही चीज देखने हम यहाँ पर आए हैं। अंदर मैं आवाज से समझ पा रहा हूँ कि साड़ी बुनी जा रही है, कॉटन की साड़ी तैयार हो रही है जरी के बॉर्डर के साथ। वर्कर्स के लिए काफी रिस्पेक्ट है क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है, आपके हाथ भी चलते हैं और आपके पांव भी चलते हैं, कंटिन्यूसली खड़े होकर ये काम करना पड़ता है। इनसे पता लगाते हैं एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है। टू डेज? अच्छा अच्छा, हाँ मैं जो समझाऊँ कि दो दिन लगते हैं साड़ी तैयार होने में। थैंक यू सर। अंदर शोरूम भी है तो वो भी चल के देखते हैं। मैं अपनी वाइफ के लिए साड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ। इन्होंने मेरे को तीन साड़ी तो सामने दिखाई, 599, नीचे वाला 995 और ये है 1200। अब मेरे को इतनी इंट्रीकेसीज नहीं मालूम ऑब्वियसली क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है ये, लेकिन बेसिस डिजाइन मैं एक साड़ी ले लूंगा। हमने जहां पर आज फिश करीमीन खाई थी उसके पास ही यहां पर स्ट्रीट फूड मिल रहा है। चिकन को ग्रिल कर रहे हैं, नीचे कोयला लगा हुआ है और हल्की हल्की बरसात का मौसम बनने वाला है। राइस पत्री है, ठीक है, टू पीस चिकन विद राइस पत्री। थैंक यू सर। दिस इज चिकन करी? या चिकन करी। मायोनीज? राइस पत्री। राइस पत्री मेड ऑफ राइस? राइस। राइस पत्री बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितना आसानी से और कितना थिन है। अच्छा, चिकन बड़े सही ढंग से ग्रिल किया है, अभी खाया नहीं है लेकिन खाने से पहले ही आप देखो क्या फीलिंग आ रही है। अगर आप नॉनवेज में चिकन पसंद करते हैं तो आई एम श्योर देख के आपको भी सही लग रहा होगा। मानना पड़ेगा काबिले तारीफ ग्रिल किया, इस तरह से रोड साइड पे इतना टेस्टी चिकन यहाँ आने के बाद तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। चिकन सही मायने में सॉफ्ट टेंडर दोनों है और बेस्ट पार्ट क्या है, अपने सामने आप खड़े होकर देखो कैसे ग्रिल कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से चिकन करी साथ में सर्व करेंगे, मैं सोच रहा था केवल राइस पत्री आएगी और चिकन पीस आएगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं अल्फाम, तो अगर आप अल्फाम बोलोगे तो समझ जाएंगे आपको ग्रिल्ड चिकन चाहिए। जस्ट ओके है ये, एकदम गर्मा गर्म है, ये ठंडी है, तो कॉम्बिनेशन उतना बेहतर जम नहीं रहा। मुझे ये जगह पसंद आ गई है क्योंकि मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद आ गया है। आज की जर्नी हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। हम अलेपी में क्लब महिंद्रा में रुके तो मेरे पिछले 11-12 दिन के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स एग्जॉस्ट हो गए जो मैंने पिछले 2 साल के अंदर जमा किए थे। एनीवेज, कल हम जाने वाले हैं नॉर्थ केरला वायनाड, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आपके रेफरेंस के लिए, केरला में अलेपी बहुत फेमस है, अगर आप केरला आते हैं तो अलेपी आपको 1 या 2 दिन के लिए ज़रूर आना चाहिए और हाउस बोट का एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत शानदार और अमेजिंग है। आपके रेफरेंस के लिए, बैक वाटर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ कैनाल, रिवर, लगून, ये सब आपस में नेटवर्क के तौर पे कनेक्टेड है। समुद्र का पानी जब आता है अंदर और इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लेता है, सो दैट नेटवर्क चेन ऑफ ऑल दीज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज बैक वाटर्स। तो ये थोड़ा मैंने आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑब्वियस है जो लेक का वाटर है वो खारा नहीं है, समुद्र का पानी खारा है, तो ये ज्वाइन होने से उसकी सॉल्टीनेस बढ़ जाती है। एनीवेज, सी यू सून, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम। आगे का सफर लंबा है, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने साजिल भाई जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर हैं उनको बोला आप अपने घर चले जाओ कोची और मॉर्निंग में आप डायरेक्टली वहां से कैलिकट आ जाना और हम अलप्पी से ट्रेन ले लेंगे। आगे के सफर में बहुत एक्साइटमेंट है। आपके रेफरेंस के लिए, नॉर्थ केरला फूड क्यूजीन के लिए बहुत फेमस है। जल्दी मिलेंगे नई और एक्साइटिंग जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।